नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज डेस्क बिहार। मैं हूं आपके साथ पूनम गुप्ता। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एनडीए को ठगबंधन करार दिया था, जिसको लेकर नंद किशोर यादव ने एक कार्यकर्ता बैठक के दौरान पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी का पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में जमानत जब्त होगी। साथ ही यह भी कहा कि कांग्रेस देश ही नहीं बिहार राज्य को भी अपने शासन काल में हाशिए पर ढकेल दिया था। एनडीए सरकार ने ही बिहार को और देश को विकास की पंक्ति में लाकर खड़ा किया है। इधर विक्रम के दतियाना गांव के समीप अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने एक पेड़ में जोरदार टक्कर मार दी, जहां स्कॉर्पियो में सवार लोग एवं चालक अति गंभीर रूप से घायल बतलाए जा रहे हैं। इधर हम बता दें कि फतुहा स्टेशन रोड स्थित महागठबंधन के चुनावी कार्यालय में महागठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर रामानंद यादव ने पूजा अर्चना की। मौके पर डॉक्टर यादव ने कहा कि इस बार मेरी जीत रिकॉर्ड मतों से होगी। मैं गांव-गांव का भ्रमण कर रहा हूं। लोगों ने मुझ पर असीम कृपा की है और फिर से भरोसा जताया है। उधर फतुहा में ही पुलुरस पार्टी के उम्मीदवार अजीत कुमार सिंह ने अपना जनसंपर्क अभियान आरंभ किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी की व्यवस्था लचर और बदहाल है। ऐसे में पुलुरस पार्टी एक नई दिशा लेकर इस बार चुनावी मैदान में उतर चुकी है। बताया जा रहा है कि दुल्हिन बाजार में रालोसपा प्रत्याशी मधु रश्मी ने चलाया जनसंपर्क अभियान, लोगों से मिलकर अपने पक्ष में मांगी वोट। साथ ही ये भी बताया कि इस बार के सरकार निर्माण में रालोसपा पार्टी की अहम भूमिका होगी, क्योंकि किसी भी पार्टी का स्पष्ट बहुमत आता नहीं दिखाई पड़ रहा है। खबर है धनरुआ से, जहां प्रखंड के गौरीचक पुलिस ने पिस्तौल के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही यह भी बता दें कि गिरफ्तार युवक के पास से 10 छीने गए मोबाइल भी बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार युवक का नाम रवि कुमार बताया जा रहा है, जो कि जैतीपुर का निवासी है। इन्हीं खबरों के साथ मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।